बच्चों, पिछले क्लास में हमने सच्चा पिताति के प्रश्न उत्तर लिखा था और खाली रिक्त स्थानों की पूर्ति भी उसके बारे में हमने पूरा लिखा हुआ आपको वीडियो सेंड किया है। तो अभी है यहाँ पे ये वाक्य किसने किससे कहा, ये वाक्य किसने किससे कहा इसके बारे में आज हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए आज जानते हैं किसने किससे कहा। पहला जो है वो है, भैया मैं आपके पास सहायता के लिए आई हूँ। यहाँ इस प्रस्तुत वाक्य को किसने किससे कहा था, तो यह उत्तर है, इस प्रस्तुत वाक्य को हिरण की बहन ने हिरण से कहा था। तो मैं यहाँ पे उत्तर लिखती हूँ, आप भी लिख कर लीजिए। पहला वाला जो है, इस प्रस्तुत वाक्य को हिरण की बहन, हिरण की बहन हिरण से हिरण की बहन हिरण से कहा था। तो अभी दूसरा जो है, तुम्हारी सहायता करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इस प्रस्तुत वाक्य को किसने किससे कहा था। तो उत्तर है, इस प्रस्तुत वाक्य को हिरण ने अपने बहन हिरण से कहा था। यानी कि आप हिरण लगा सकते हैं या तो नहीं लगा सकते। उत्तर है यहाँ पे, इस प्रस्तुत वाक्य को हिरण ने अपनी बहन से कहा, बहन से कहा। ठीक है, तीसरा जो है जाओ आज आराम करो, कल सुबह जल्दी उठ जाओ, इस प्रस्तुत वाक्य को किसने किससे कहा। तो इस प्रस्तुत वाक्य को हिरण ने अपने भांजे से कहा। इस प्रस्तुत वाक्य को हिरण ने अपने भांजे से कहा। ठीक है, अभी चौथा, कोई मेरी सहायता करो, कोई मुझे बचाओ, इस प्रस्तुत वाक्य को किसने किससे कहा। छोटे हिरण ने अपने मित्रों से कहा। ठीक है, छोटे हिरण ने अपने मित्रों से कहा, इस प्रस्तुत वाक्य को छोटे हिरण ने अपने मित्रों से कहा। पांचवा,
आज उसकी परीक्षा है, आज उसकी परीक्षा है करके किसने किससे कहा? हिरण ने अपने बहन से कहा। हिरण ने अपने बहन से कहा, ठीक है। दूसरा, छठा वाला, तुम अपने आप को जाल से कैसे मुक्त किया? तुमने अपने आप को जाल से कैसे मुक्त किया? तो यहाँ पे हिरण की माँ किसने किससे पूछा? हिरण की माँ ने अपने पुत्र छोटे हिरण को पूछा, ठीक है। इस प्रस्तुत वाक्य को हिरण की बहन अपने पुत्र से कहा, ठीक है। ये हो गया किसने किससे कहा। अभी जो है आगे वाला देखिए, अभी आपको क्या करना है, ये मैंने सिर्फ उत्तर यहाँ पे लिखाए हैं, अभी आपको प्रश्न सहित उत्तर लिखने हैं अपने क्लासवर्क में, नीचे एक एक करके उतारना है। चलिए आप जानेंगे दिए गए शब्दों की सहायता से विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द यानी कि अपोजिट वर्ड्स, यू हैव टू राइट अपोजिट वर्ड्स। यहाँ देखिए, अभी निश्चिंत, अस्वस्थ, अज्ञान, पूर्व, विफल, दूर, अप्रसन्न, अनावश्यक, यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं। तो उसके उपरांत नीचे क्या दिया गया है, चिंतित, उसका अपोजिट वर्ड क्या लिखना है, जो वहाँ पे वर्ड्स दिए हैं उसको मैच करके यहाँ नीचे लिखना है, ठीक है। चिंतित, चिंतित का अपोजिट वर्ड है निश्चिंत, चिंतित का अपोजिट वर्ड्स है निश्चिंत। चिंतित निश्चिंत, ठीक है, निश्चिंत। दूसरा वाला जो है सफल, विफल, तीसरा वाला जो है ज्ञान, अज्ञान, चौथा वाला जो है प्रसन्न, प्रसन्न अप्रसन्न, पांचवा शब्द है समीप, दूर, छठा वाला जो है पश्चात, पूर्व, सातवा जो है स्वस्थ, अस्वस्थ, अस्वस्थ, ठीक है। आठवां जो है वो है अनावश्यक, माफ कीजिए, आवश्यक,
अनावश्यक। यहाँ हो गया विलोम शब्द। आपको क्या करना है अभी, ये पूरा क्लासवर्क में उतारना है, ठीक है। और अगले क्लास में हम इसके आगे का जो है वो है समान अर्थ वाले शब्द, ये भी आपको क्लासवर्क में उतारना है। यहाँ तक आप कंप्लीट करके आइए। जो नीचे वाला जो है भाषा के यहाँ पे लिखा गया है समान अर्थ वाले शब्द, वो पूरा लिख कर निकालिए। उसके बाद है पाठ के आधार पर दिए गए शब्दों का समानार्थी शब्द लिखिए। ये जो है हम अगले क्लास में आपको सिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।